हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ बिजय एंड आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोग मेरे वीडियोस को देख रहे हो, पसंद कर रहे हो एंड यू गाइस आर आल्सो रीचिंग आउट टू मी फॉर योर क्वेरीज, सो अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर दैट। एंड अगर आप लोगों में से किसी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल इज़ वेल। आज के वीडियो में मैं बात करूँगा व्हाट हैपेंड टू 25x25 विजन जो TCS ने अनाउंस करा था पीक कोविड के टाइम में। तो उसके बारे में रिसेंटली TCS के CHRO ने कुछ अपडेट दिया है, तो वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये विजन था क्या, राइट? अगर आप लोगों में से कोई TCS में जॉब कर रहे हो देन यू गाइज मस्ट बी अवेयर, और अगर आप नहीं भी कर रहे हो, राइट, अगर आप TCS से बाहर कहीं जॉब कर रहे हो तब भी आपने इस विजन के बारे में पक्का सुना होगा, बिकॉज TCS पहली कंपनी थी, मतलब इतनी बड़ी MNC थी जिन्होंने ये चीज बोला था कि दे वुड बी माइग्रेटिंग लिटरली टू द रिमोट वर्किंग कल्चर, ठीक है? और तो बेसिकली इनका विजन ये था कि बाई 2025 25% ऑफ टोटल TCS एम्प्लॉयज वुड बी वर्किंग रिमोटली एट एनी गिवन टाइम, ठीक है? तो ये था पॉलिसी। अब जैसे जैसे कोविड गया, काफ़ी सारे ऑफिसेज हाइब्रिड मॉडल में आ गए, कितने तो कंप्लीट 100% वर्क फ्रॉम ऑफिस मॉडल में आ चुके हैं, राइट? और TCS भी धीरे धीरे एटलीस्ट अभी के टाइम में तो 3 times a week बुला रहे हैं, राइट? तो जैसे जैसे ये चीज़ें शिफ्ट होती गई, आई थिंक ये बिल्कुल खो गया कि क्या हुआ 25x25 विजन का, कोई अपडेट नहीं है। आप अगर आप मैनेजर से भी पूछोगे, अगर आप HR से भी पूछोगे तो उनका ये कहना होता है कि यार अभी तो कोई अपडेट नहीं, अभी तो इतना पता है कि सबको ऑफिस बुला रहे हैं, ठीक है? तो इसके बारे में रिसेंटली उन्होंने TCS CHRO ने एड्रेस किया है, ठीक है? तो मैं अपडेट आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले तो रिगार्डिंग रिटर्न टू ऑफिस, तो व्हाट इज सेड इज लाइक कि अभी का मैंडेट ये है कि एटलीस्ट आप हफ्ते में 3 बार ही आओ ऑफिस, है ना? और उन्होंने कुछ परसेंटेज, कुछ डेटा भी शेयर करी है, विच सेज के अभी के डेट पे क्लोज टू 53% ऑफ एम्प्लॉयज वो ऑफिस से काम कर रहे हैं 2x a week, और क्लोज टू 43% आर वर्किंग 3x a week इन ऑफिस, ठीक है? तो ये अभी का अपडेट है विद रिस्पेक्ट टू कितने लोग रिटर्न टू ऑफिस हो चुके हैं TCS में, ठीक है? एंड उन्होंने ये भी बोला है कि डेफिनेटली उनका जो प्लान था, राइट, जो TCS का जितना प्लान था कि इतनी जल्दी बुलाना है, राइट, तो वो प्लान अभी तक उस हिसाब से चला नहीं जैसे TCS ने सोचा था, थोड़ा स्लो है, बट देन ही सेड दैट दे आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, ठीक है? तो और उसके अलावा उन्होंने ये भी एक्नोलेज करा कि हाँ, काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं लोगों के साथ, के कितने लोग अभी भी नहीं आए हैं बेस ब्रांच में, राइट, एंड दे हैव देयर ओन चैलेंजेस। काफ़ी सारे लोग अपने होम टाउन पे शिफ्ट हो गए, कितनों के किड्स हैं जो अभी स्कूल में उसी लोकेशन पे पढ़ रहे हैं, राइट, तो तुरंत के तुरंत आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है? बट देन हाँ, इन्होंने एक चीज़ और हाईलाइट करी है कि दो प्रोसेस अभी थोड़ा सा स्लो है एज पर देयर एक्सपेक्टेशन, बट देन हाँ, दे वॉन्ट टू गेट इट डन एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है? तो डेफिनेटली दे आर पुशिंग पीपल, और आपने देखा होगा इसलिए गोल सीट वगैरह पे भी अब TCS ने डाल दिया है कि आप कितने दिन आके कितने दिन ऑफिस आ रहे हो, राइट? और उसके अलावा जो अपडेट है कि रिगार्डिंग 25x25 विजन, तो व्हाट ही सेड के अभी के लिए तो दे वॉन्ट ईच एंड एवरी एम्प्लॉई to come to their base location and come to office at least 3 times a week. अभी का इनका ये प्लान है, और जब वो सक्सेस हो जाता है then they would think about it. तो basically even he was not clear, और मुझे नहीं लगता है कि जिस मॉडल पे आ चुके हम वापस, राइट, कि ये इनका विजन होगा कि आप मतलब ऑफिशियली अलाउ कर दोगे एम्प्लॉयज को कि घर से रिमोटली काम करने के लिए, मुझे नहीं लगता ये होगा, और इवन ही डिंट हैव अ क्लियर स्टैंड ऑन इट, ठीक है? और उनसे पूछा गया कि वॉट इज द रीजन वाई आर यू गाइज कॉलिंग एम्प्लॉयज टू ऑफिस, बिकॉज एम्प्लॉयज काफी कंफर्टेबल है अपने लोकेशन पे, राइट, एंड मतलब आपको पता होगा मैं भी वर्क फ्रॉम होम कैटेगरी वाला ही एम्प्लॉय हूँ, ठीक है? एंड आई टोटली अंडरस्टैंड। तो उन्होंने बोला है कि देखो कि डेफिनेटली जब कोविड का टाइम आया था और सारे लोग रिमोटली काम कर रहे थे, राइट, तो उस टाइम पे क्या बोलते हैं
उस टाइम पे दे सपोर्टेड अ लॉट और क्लाइंट भी हैप्पी थे, बट देन वन थिंग दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड इज लाइक के रिमोटली अगर कोई काम कर रहा है तो विद इन अ टीम जितना इतना इनका कम्युनिकेशन नहीं होता, अक्रॉस द टीम भी कम्युनिकेशन रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर के उनका कहना है कि जब कोई बंदा ऑफिस आएगा तो डेफिनेटली इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा, एंड अगर बिगर पिक्चर में देखें तो वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयड दोनों के लिए फ़ायदा होगा। तो बस यही अपडेट था, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।